हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। आज इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीटी और बीएसटी से एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। देखिए इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का कलेक्शन, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन देखिए रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, ताकि वो भी इस सेशन को ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं देखिए आज के सेशन की। सबसे पहले कल आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम क्वेश्चन का रिप्लाई भी दिया करो। तो देखिए क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें आप काफ़ी धन जमा कर सकते हैं, या फिर आपका नाम हो, या फिर आपको यश प्राप्त हो, या फिर आपको शांति मिले। तो आप देखिए कौन से व्यवसाय में जाना चाहते हैं, ऑप्शन डी। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उनका करेक्ट आंसर है जहां आपको शांति मिले, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज के सेशन का, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, किसका कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से? समाज के सभी वर्गों का, या फिर एक आदर्श परिवार का, या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का, या वह छात्र व छात्राओं का? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखिए शिक्षक को किसी प्रकार से बांटा नहीं गया है कि एक आदर्श परिवार को ही शिक्षा दी जाए, या फिर एक मनुष्य, एक विशिष्ट मनुष्य को शिक्षा दी जाए, ऐसा नहीं है। समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा निर्धारित की गई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? यदि आप एक अध्यापक हो तो आप किसको प्राथमिकता देंगे, विज्ञान विषयों को, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, या फिर उच्च विचार को, या फिर आस्था को? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, एक अध्यापक के रूप में हम किसको प्राथमिकता देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचारों को, ऑप्शन बी देखो करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपके अध्यापन करते समय, यानी जब आप पढ़ा रहे हो, अध्यापन किसे बोलेंगे, जो हम पढ़ाते हैं, जो शिक्षण करवाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अध्यापन बोलते हैं। यानी आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर, यानी त्रुटि यानी गलतियों की ओर यदि संकेत करता है तो आप क्या करेंगे, यानी कुछ छात्र, जैसे आप पढ़ा रहे हो और कोई छात्र बोल रहा है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, तो है ना, इसके लिए तो आप क्या करोगे, छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, या फिर छात्रों को चुप रहने के लिए कहेंगे। यदि आपकी गलती है, जो आप पढ़ा रहे हो उसमें कुछ गलत बोल रहे हो और फिर है ना आपको छात्र बोल रहे हैं, तो आप उसे चुप रहने के लिए नहीं बोल सकते, ऑप्शन बी देखो गलत होगा। स्वीकार कर लेंगे या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। यानी सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा आपका, सबसे पहले आपको अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, यानी प्रधानाचार्य विद्यालय में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, यह आपको पता चला, तो आप क्या करोगे, एक शिक्षक के रूप में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, या फिर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यदि आपकी जो विद्यालय उसमें प्रधानाचार्य कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य होगा, आपका कर्तव्य होगा, आपको करना होगा कि उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सबसे पहला कर्तव्य होगा कि आप उन्हें समझाएंगे। यदि आपसे
वो नहीं समझ रहे तो आप क्या करेंगे? साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। यदि ऑप्शन बी करके आओगे तो 3 नंबर मिलेंगे और ऑप्शन डी करके आओगे तो 2 नंबर मिलेंगे और उस तरफ से अनदेखी आप कर नहीं सकते। ऑप्शन सी तो देखिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, यानी ऐसी शिक्षा जो लोग होते हैं उनके समय पर शिक्षा नहीं मिली हुई हो और वो बढ़ती हुई अवस्था में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसे बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा। तो वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, यानी प्रौढ़ शिक्षा देने किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में या फिर शिक्षित व्यक्ति यानी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके हाथ में या फिर गैर सरकारी संपत्तियों के हाथ में यानी जो प्राइवेट जो संस्थान होते हैं उनके हाथ में या फिर उपरोक्त सभी के हाथ में? तो जो प्रौढ़ शिक्षा है वो सभी प्रकार की यानी सरकार भी करवा सकती है और प्राइवेट समिति भी करा सकती है और कोई शिक्षित व्यक्ति भी प्रौढ़ शिक्षा दे सकता है। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता, यानी आप एक अध्यापक हो और कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। क्यों दंड देंगे बालक को? अभिभावक की गलतियों पर बालक को दंड नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए देखो गलत होगा। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, बालक का क्या कसूर है कि जो आप बालक पर ध्यान नहीं देंगे? ऑप्शन बी भी गलत होगा। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या फिर अभिभावक को लिखेंगे? तो सबसे पहला आपका कर्तव्य होगा कि आप अभिभावक को बच्चे के साथ लिखकर भेजेंगे कि आप विद्यालय में उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हो। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए जो बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हैं, उन्हें 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि अभिभावक का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अभिभावक को कुछ लिखकर भेजे कि आप विद्यालय में आ क्यों नहीं रहे हो। ऐसा पूछने के लिए अब एक शिक्षक को बच्चे के साथ कुछ लिखावट में भेजना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, यानी संघर्ष का जो सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? यानी शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं और उसका सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? शिक्षण समय में कमी या फिर छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना या प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, जो ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? देखिए क्वेश्चन है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो देखिए शिक्षक की अपनी योग्यता या फिर शिक्षक का विचार या शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए, यानी छात्रों में अनुशासन बनाए रखना है तो ऑप्शन डी देखो राइट आंसर होगा, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। ऑप्शन डी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? अब आपको बताना है, आपको क्या पता कि किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं, तो ऐसी चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये बातें आपको याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन। तो किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्लेटो। देखिए ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, साइकोलॉजी में आपके जब आप बीएड करोगे तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही आपका पाठ्यक्रम आएगा। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे?
किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किसने बताए, फ्रोबेल ने, या फिर हर्बर्ट ने, या प्लेटो ने, या फिर कमिनियम ने? देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आपको तुक्का नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन जब आप बार बार देखोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, सीखने के 5 चरण किस विद्वान ने बताए थे? हर्बर्ट ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की देखभाल के लिए, यानी जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, जो इंटेलिजेंट शिक्षार्थी है, उनकी देखभाल के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए, यानी जो प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट विद्यार्थी है उनके लिए क्या आप शिक्षण कार्य को धीमा करेंगे, या फिर इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, या फिर तेजी से पढ़ाना चाहिए, या संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, किंडरगार्टन कोई स्कूल का नाम है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो किस देश में खोले गए थे किंडरगार्टन स्कूल? जर्मनी में। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा, जर्मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन का हम आंसर कैसे दें। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप बार बार देखोगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको याद रहने लग जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, यानी जो भाषा होती है उसे सीखने का प्रभावी उपाय क्या होता है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, या फिर सहायक पुस्तकें पढ़ना, या फिर अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना, यानी बातचीत करना। तो देखिए, आंसर दीजिए, सभी को अपना अपना मत देना है या आंसर देना है सभी को। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वार्तालाप करना। जब हम बातचीत करते हैं तब हम भाषा अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं। ये भाषा सीखने का एक सरल माध्यम एक वार्तालाप करना ही होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापकों के उपदेशों की, या फिर यानी जो अध्यापक जो निर्देश देते हैं, जो अध्यापक उपदेश देते हैं उनकी, या फिर स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या फिर महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, या धार्मिक शिक्षा की? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। यदि एक अध्यापक में अनुशासन होगा और उसका जो करेक्टर है वो आदर्श होगा तो बच्चे एक अध्यापक का ही अनुकरण करते हैं तो वो भी अच्छी आदतों में ढल जाएंगे। तो ऑप्शन बी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ शिक्षण विधियाँ दे रखी है आपको, 4 शिक्षण विधियाँ। इनमें से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम, यानी वास्तविक अनुभव, यानी साक्षात हमें कोई वस्तु देखने को कहाँ मिलती है? जब हम भ्रमण करने जाते हैं तब, या फिर जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं तब, या फिर भाषण देते हैं तब, या फिर पाठ्य पुस्तक में, यानी जो आपके बुक है उसमें। तो वास्तविक अनुभव हम कहाँ, हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? जब हम भ्रमण करने जाते हैं, यानी भ्रमण विधि सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि भ्रमण करने के लिए हमें लेके क्यों जाया जाता है, यानी कोई भी पाठ्य वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसका वास्तविक अनुभव यानी साक्षात उसे दिखाने के लिए तो हमें भ्रमण करने लेके जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, यानी जो निःशुल्क और जो अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा वो लागू होने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ है, यानी क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है? बालकों में साक्षरता बढ़ी है। हाँ जी, जरूर बढ़ी है साक्षरता,
निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता भी बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता भी बढ़ी है और देश में भी साक्षरता बढ़ी है। यानी यदि बालकों में और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में साक्षरता बढ़ेगी तो देश में भी साक्षरता बढ़ेगी, क्योंकि जो बालक और जो ग्रामीण परिवेश है वो क्या एक देश में ही आते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जो नर्सरी स्कूल है उसकी शुरुआत किसने की थी? डॉल्टन ने, या फिर जॉन डेवी ने, या फिर फ्रोबेल ने, या एनी बेसेंट ने? तो देखिए नर्सरी स्कूलों की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अभिरुचि है, यह है विचार किसका था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं। इन क्वेश्चनों का इस क्लास को यदि आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार इस क्लास को लोगे, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके रूटीन में आ जाएंगे और आपको याद रहेंगे। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अभिरुचि है, तो यह विचार किसका था? किसका था? रूसो का, या फिर मरिया मॉन्टेसरी का, या फिर मैकडूगल का, या फिर टीपी नन का? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी टीपी नन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल क्या थे? यानी जो वर्तमान काल के जो स्कूल है इसकी तरह ही जो भारतीय पद्धति, यानी पहले जो विद्या वो जो स्कूल थे वो कैसे थे? मदरसे की तरह, या फिर एक आश्रम था, या फिर गुरुकुल, या फिर मकतब? यानी जो आजकल के विद्यालयों में स्कूलों में जिस प्रकार शिक्षा दी जाती है, जो भारतीय पद्धति में किस प्रकार के स्कूल थे, यानी कहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती थी बच्चों को? देखिए पहले भारतीय पद्धति के स्कूल नहीं थे, वहाँ गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी ऋषि मुनियों के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए गुरुकुल में शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा ओनली बॉयज को ही दी जाती थी, गर्ल्स वहाँ अलाउ नहीं थी। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गर्ल्स को अलाउ नहीं किया गया था, ओनली बॉयज को ही अलाउ किया था। इसलिए वर्तमान में गर्ल्स को स्कूल यानी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल बनाए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और देखिए गुरुकुल में शिक्षा कैसे दी जाती थी, वहाँ ओनली जो ऋषि मुनि होते थे वो बोलते थे और जो उनके शिष्य होते थे वो सुनकर उनको याद रखते थे। देखिए बहुत ही अच्छी शिक्षा पद्धति थी वैसे तो, लेकिन वर्तमान काल में स्कूलों अभी भी कहीं कहीं गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। जो ब्राह्मणों के जो बच्चे होते हैं उनको गुरुकुल में कई जगह शिक्षा दी जा रही है अभी भी। तो ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक यानी स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या कार्वे, या फिर अरविंदो? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कार्वे। यानी भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक को महान समर्थक कौन थे? कार्वे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है, यानी जो कक्षा अनुशासन है उसको प्रभावशाली तरीके से किस प्रकार अनुरक्षित किया जा सकता है? अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटाने पर, या फिर छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, या शारीरिक दंड देकर, या फिर श्यामपट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा? तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जब आप किसी विषय वस्तु की यानी किसी भी बुक की आप व्याख्या कर रहे हो, किसी भी बात की व्याख्या कर रहे हो, तो उस समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर आप शिक्षक को
पर शिक्षक को थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। यानी आप व्याख्या दे रहे हो और कुछ अशांति फैल रही है क्लास में, तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कक्षा को छोड़ देना चाहिए, या फिर अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, दंड देना चाहिए, या कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, यदि आप अच्छा शिक्षण करवा रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कक्षा में। देखिए, ये बहुत गलत बात है कि शिक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो कक्षा में कुछ भी हो जाए वो तो ओनली पढ़ा के चले जाते हैं। देखिए, ऑप्शन डी तो गलत होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक जो ज्ञान क्षेत्र होता है, यानी संज्ञानात्मक ज्ञान क्या होता है, यानी जिस वस्तु का ज्ञान दिया जाता है और उस क्षेत्र में अधिगम का निम्न स्तर क्या है, ज्ञान या फिर संश्लेषण, विश्लेषण या समझ। तो देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। NIEP मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यानी NIEP मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन है NIEP मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NIEP होता क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, NIEP की फुल फॉर्म NIEP आपके सामने दे रखा है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। देखिए, NIEP की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, नेशनल यानी राष्ट्रीय, इंस्टीट्यूट यानी संस्थान, ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा, और प्लानिंग यानी होगा योजना। तो देखिए, आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि NIEP की फुल फॉर्म क्या है। यदि आपको इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को देखिए आसानी से हल कर सकते हो। यानी NIEP मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक अभ्यास से, या फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण से, या फिर शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से, या फिर शैक्षिक मापन से। तो देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से। वहाँ क्या आया था, प्लानिंग आया था, एजुकेशन ऑफ प्लानिंग आया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन। ऑप्शन सी देखो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी प्ले थेरेपी यानी जो खेल खेल से जो शिक्षा है उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, या फिर जिससे शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो, या शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, या फिर बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा, बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी हम खेल खेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक की जो बौद्धिक स्तर है वो किस प्रकार का है, और उसे किस प्रकार जटिलताओं का सामना हो रहा है। तो देखिए, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अभी तक इस चैनल को, इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन को देख सके। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।